अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको ये वाली क्रेन बनाना सिखाऊंगा। ये बहुत आसान है, मैं आपको सिखाऊंगा। आपको सबसे पहले स्क्वायर शीट चाहिए, वैसे ये A4 साइज शीट है। और अगर आपके पास मेरी तरह स्क्वायर शीट नहीं है तो आपको सबसे पहले इसको इक्वल ऐसे करना होगा, ये देखिए, और फिर आपको इसको उल्टा करके ऐसे कर देना होगा। इससे आप इसको आसानी से सीजर के बगैर काट सकते हैं। मैं तो आपको सीजर के बगैर ही प्रेफर करूंगा, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप इसके बगैर भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान से आपको मैं स्टेप्स सिखाऊंगा। देखिए ऐसा हो गया है। अब आपने इसको उल्टा करना है, और जहाँ से ये ऐसे निकला हुआ है वहाँ से आपने थोड़ा सा ऐसे फाड़ना है और आराम आराम से ऐसे खींचना है कि एकदम सीधा कटे। और अगर आपको नहीं आ रहा तो आप इसके सीजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी बना के आपको दिखाऊंगा। फिर आपको ये देखिए ऐसी है ना, अब इसको ऐसा, ये देखिए ऐसी, अब इसको ऐसे करना है। आसान सा स्टेप है। बिल्कुल ऐसे, अब ये देखिए ये ऐसे बन जाएगा कुछ इस तरह से। फिर आपको ऐसे करना है। ये बहुत आसान से आपको स्टेप बता रहा हूँ। आप अगर इनको अच्छे से फॉलो करें तो आप इससे बना सकते हैं। बस अब जो स्टेप है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखिए ये ऐसी जो सी है जैसे ये फूली हुई है, इसको आपने ऐसे उल्टा करना है। आपने ये डायमंड शेप है ना, ये डायमंड शेप इधर रखनी है। ये जो है ना, ये देखिए इसको आपने ना ऐसे करना है। ऐसे आपने कर लिया, फिर ना आपने ये जो लाइन है ना इसको ना ऐसे निकाल के ना ऐसे पकड़ लेना, ऐसे ऐसे करना है। और फिर ना आपको ये जो लाइन है ना इसके ऊपर ना ऐसे कर लेना है इसके साथ। ऐसे जब हो जाएगा तो आपने दूसरी को इसको भी ऐसे करना है, इसको ऐसे कर देना है और इसको आपने ऐसे कर देना है बिल्कुल। और फिर आपने इसको ऐसे कर देना है। ये आपका स्टेप कंप्लीट हो गया। और फिर जो ये खुली साइड है ना नीचे से, इसको ना, ये खुली साइड है इसको ऐसे रखना है। और फिर ना आपने ऐसे करना है इसको, ये जो लाइन है ना इसके हिसाब से, ये ऊपर से बंद है नीचे से खुला है, ये देखो इसको ना लाइन के बराबर नोक बननी चाहिए, वैसा इसको आपने बनाना है। और फिर आप दूसरी को भी ऐसे ही कर लीजिए, और इसकी दूसरी साइड पे भी आपको ऐसे ही करना है, सेम स्टेप करना है। और अब वाला, अब आपकी क्रेन हाफ कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके ऊपर ना ऐसे कर देना है ऐसे, और दूसरी साइड से भी ऐसे। फिर आपको क्या करना है, इसको खोलना है। ये जो है ना ये हिस्सा, ये देखिए खुला है ना, तो ये हिस्सा, ये पहली जो है ना पहला, इसको आपने पकड़ के इसके ऊपर ऐसे करना है। फिर आपने ऐसे करना है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता हूँ, आपने आराम से करना है इसको ध्यान से देख के। और आपने हमें लाइक सब्सक्राइब भी करना है ताकि हम ऐसी चीज़ें देखते हैं। फिर आपने ऐसे करना है और ऐसे कर देना है। ये बहुत आसान से स्टेप हैं। बिल्कुल मैं आपको ऐसी क्रेन बना के दूंगा ऐसी, ये देखें बहुत आसान सा स्टेप है। और आपने इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। फिर आपने ये जो ये खुली वाली साइड है, ऐसे पाँव जैसे बने हैं, इसको ना इधर से उठाना है और ऐसे कर देना है, ऐसे करना है। ये आपकी 80% कंप्लीट हो गई क्रेन। ऐसे करना है और दूसरी साइड पे भी ऐसे करना है ताकि आपकी क्रेन पतली बने और प्यारी भी लगे। और फिर आपको ये जो है इधर से ये उठाना है, ये ऐसे निकालना है ऐसे, और इसको ऐसे बीच में से फोल्ड कर देना है ऐसे, और ऐसे फोल्ड कर देना है।
ये इसका मुंह होगा और ये जो है ना ये इसकी पूंछ होगी। आप पूंछ को भी मुंह बना सकते हैं। आपको जो सी साइड पूंछ बनानी है आप उसको पूंछ बनाया और आपको जो सी साइड मुंह बनानी है आप उसको मुंह बना सकते हैं। और फिर आपको ना ये स्टिक कैसी होगी, ये जो बीच में है ना इसको पकड़ के ना ऐसे करना है ऐसे, ये फिर में बनेगा, इसको आपने ऐसे कर देना है तो ये आपकी क्रेन बनेगी। फिर आपने ना आराम से ऐसे करना है कि ये फटे ना यहाँ से, और यहाँ से भी ऐसे करना है, और ये आपकी क्रेन बन चुकी है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल ऐसी आपको बना के दी है। आप इसको वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं और मैं आपको ऐसी मजीद वीडियो से हैरान करूँगा। बाय बाय।